हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कैसे हैं आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे सो so, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जे एन वी यू दैट इज़ नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की इनकी तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं अपल्किशन फॉर पीएचडी एच डी उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो so, उसके लिए सबसे पहले आपको जे इस वेबसाइट पर विजिट करना है स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट न्यूज़ में ऑप्शन दिख रहा है एम पी -E का इस पर क्लिक करिएगा तो नेक्स्ट पोर्टल ओपन होगा जहां पे बाकी नोटिफिकेशन सिलेबस स्कीम एंड एप्लीकेशन पोर्टल का लिंक है तो यस सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को देखेंगे उसके बाद जो बाकी ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे चलिए ओपन करते हैं नोटिफिकेशन जी तो ये है नोटिफिकेशन डेट है ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू यहाँ पे आप देख सकते हैं एमपेट दैट इज़ एंट्रेंस एग्जाम जो है इनका उसका नाम एमपेट है एम पी ई टी ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो नीचे लिस्ट दी गई है अभी हम उसे भी देखेंगे तो देखिए ट्वेंटी थर्ड नवम्बर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन फी थर्टी टू हंड्रेड है येस यू हर्ड इट राइट थर्टी टू हंड्रेड तीन हजार दो सौ सो देख लीजिएगा अगर अप्लाई करना हो तो एंड बाकी एप्लीकेशन फी थ्र थर्टी टू हंड्रेड जनरल ओ बी सी एम बी सी के लिए है बाकी ट्वेंटी सेवन हंड्रेड है एस सी एस टी के लिए एंड स्पेशली एबल्ड जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनमें डिसबिलिटीज फोर्टी परसेंट या उससे ज़्यादा हैं उनके लिए है ट्वेंटी टू हंड्रेड लास्ट डेट है बाईस दिसंबर ट्वेंटी सेकेंड ऑफ दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंट्रेंस होगा बाईस जनवरी को अभी डेट टेंटेटिव है बट हाँ अभी के लिए ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जनवरी है डेट जब एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा राइट right? देन आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है सभी जो स्टेप्स हैं कंप्लीट कर लीजिएगा पेमेंट वगैरह सब ऑनलाइन मोड से ही करना है कॉपी जो है उसे सेव करिएगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस एलिजिबिलिटी वगैरह अवेलेबल है वेबसाइट पे, बट स्टिल अगर कोई भी इशू है नहीं मिल रही इंफॉर्मेशन तो आप इस ई मेल आई मेल कर लीजिएगा इसमें लिखा है कि यू कैन कम्युनिकेट एट जे एन वी यू एम पी ई टी ट्वेंटी ट्वेंटी टू एट द रेट जी मेल डॉट कॉम ठीक है अब यहाँ पे कितनी सीट्स हैं किस डिपार्टमेंट में उसकी बात करते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक्स फोर्टीन सीट्स देन एजुकेशन फोर सीट्स इंग्लिश फोर इंग्लिश फोर सीट्स फाइन आर्ट्स एंड पेंटिंग में भी चार सीट है देन जोग्राफी में पाँच सीट्स हैं टोटल हिंदी में नौ है हिस्ट्री में तेईस है जर्नलिज्म एंड मास कॉम में तीन है देन म्यूजिक में एक है उसके बाद फिलासफी में चार हैं पोल साइंस पॉलिटिकल साइंस में दस हैं देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पबैड में फोर हैं संस्कृत आर्ट और सोशियोलॉजी में सात सीट्स हैं देन साइंस फैकल्टी के अंडर बॉटनी में फोर्टी थ्री वेकेंट्स सीट्स हैं केमिस्ट्री में फोर्टी फोर हैं बट याद रखिएगा ज़रूरी नहीं होता कि फोर्टी थ्री सीट्स हैं तो फोर्टी थ्री स्कॉलर्स को एडमिशन मिलेगा ठीक है कम ज़्यादा हो सकता है कई बार वेकेंट रह जाती हैं सीट एंड हो सक बट ये भी हो सकता है कि 43 सीट्स पे हो जाए तो मैं ये नहीं कहूँगी कि चांसेस हैं कि नहीं ही होगा बट हाँ एक बार सोच लीजिएगा देख लीजिएगा सारी चीज़ों को कोई कॉन्टैक्ट मिले अगर इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी स्कॉलर इनफैक्ट किसी भी डिपार्टमेंट के तो उनसे बात कर लीजिएगा एंड उसके बाद अप्लाई करिएगा सो एनी मैथ्स में एट सीट्स हैं आठ सीट्स हैं देन फिजिक्स में चौदह वेकेंट सीट्स हैं जोलॉजी में है सत्रह वेकेंट सीट्स नेक्स्ट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ है तो इसमें अकाउंटिंग में आठ सीट्स हैं देन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में सत्रह है Then, बिजनेस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में ट्वेल्व है मैनेजमेंट स्टडीज़ में है फाइव लॉ में टोटल सेवन सीट्स हैं सो ये सब्जेक्ट्स एंड सीट्स थे ओके okay, अब यहाँ नोट में कुछ पॉइंट्स हैं सो एंट्रेंस वगैरह जो इनका ऑर्डिनेंस है उसी के बेसिस पे कंडक्ट करवाया जाएगा नेक्स्ट जो भी कैंडिडेट्स वो जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनके पास नेट एस है या सेट है जे है तो आपको ये ऑप्शन मिल सकता है कि अगर आप चाहें तो अपेयर हो सकते हैं इस एग्ज़ाम में अदरवाइज़ आप एक्सेंशन भी ले सकते हैं तो वेटेज की बात करें कि कितना वेटेज मिलेगा अगर आप एग्जाम मतलब अगर आप नहीं देते एंट्रेंस सो देखिए जेआरएफ है अगर वो भी लास्ट ऑफ कोर्स ट्वेंट टू ईयर्स में किया है तो ट्वेंटी मार्क्स मिलेंगे नेक्स्ट अगर सिर्फ नेट या सेट क्वालिफाइड हैं तो आपको टेन मार्क्स मिलेंगे बट सपोज आप जे आर एफ हैं बट फेलोशिप का डेट एक्सपायर हो गया एंड दो साल से पहले का है तो भी आपको टेन मार्क्स ही मिलेंगे वैसे ऑफकोर्स अगर जे आर एफ नहीं है अभी तो वो नेट के इक्वल ही होगा एनी वे ट्वेंटी एंड टेन मार्क्स हो गए एंड सॉरी फॉर दिस सो यहाँ पर फिर कॉमन मेरिट प्रिपेयर की

प्रिपरेशन हो सके दैन मिनिमम पास परसेंटेज फिफ्टी है ठीक है नेक्स्ट फाइव परसेंट का रिलैक्सेशन मिलेगा जो भी कैंडिडेट्स हैं इन कैटेगरीज के हैं फी डिपॉजिट करने के बाद वो रिफ़ंड नहीं होगी तो सोच समझ कर करिएगा अभी अगर फाइनल ईयर में है बट चाहते हैं पी एच डी करना तो हाँ आप कर सकते हैं अप्लाई वही लिखा है वू आर अपेयरिंग इन पी जी फाइनल ईयर आई रिक्वायर टू सबमिट देयर फाइनल ईयर पासिंग मार्क्शीट सीट मिलने से पहले आपको करना होगा सपोज सिलेक्शन हो जाता है फिर सीट अलॉटमेंट होगा तो उससे पहले मार्क्शीट सबमिट करनी होगी अदरवाइज आपका कैंडिडेटचर रिजेक्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ भी सकती हैं घट भी सकती हैं एंड बाकी यहाँ पे जो वेकेंट पोजिशन है वो ओवरऑल वेकेंसी हैं कि इतने वेकेंसी हैं अभी कितने एडमिशन होंगे ये ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन है डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर्स का फैक्ल्टीज का एंड यूनिवर्सिटी का नेक्स्ट uh, यहाँ पे है कि बाकी चीज़ें आपको बाद में बता दी जाएंगी एंड uh, बाकी नेट जे आर एफ हैं तो आप एग्जेम्प्टेड भी हैं बट हाँ एग्ज़ाम दे सकते हैं नेक्स्ट आई थिंक यस यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सीट्स वगैरह मैंने बता दी है आपको एंट्रेंस वगैरह के चांसेस यही हैं कि आपको जाना होगा जे एन वी यू एम यहाँ जोधपुर जाना होगा बाकी अगर ऑनलाइन होता है या कहीं और होता है तो इट वुड बी गुड बट आई डोंट थिंक ऐसा होगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जाना होगा बट जैसा कि यहाँ मेंशन भी है कोई भी इशू है तो आप कम्युनिकेट कर लीजिएगा तो ये है वेब ये है ईमेल आईडी आई डी इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा अब हम एक बार फिर से विजिट करते हैं वेबसाइट पे सो so, इस स्कीम की बात करते हैं कि अगर एंट्रेंस दे रहे हैं आप तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो उससे पहले यहाँ एलिजिबिलिटी वगैरह है मास्टर्स डिग्री है 55 परसेंट मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए राइट दैन डिसिप्लिन वाइज सब्जेक्ट्स क्या अवेलेबल हैं बता दिए हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम का स्कीम क्या है एंट्रेंस में फ़िफ्टी मार्क्स रिक्वायर्ड हैं एंट्रेंस का सिलेबस क्या होगा सो पार्ट दो पार्ट्स होंगे पार्ट ए रिसर्च मैथडोलॉजी पार्ट टू आपका सब्जेक्ट होगा थ्री आयर्स का पेपर होगा नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी एंड आपको पता है जो एप्ली शन फी है वो नॉन रिफंडेबल है देन हंड्रेड एम होंगे एंड फिफ्टी क्वेश्चन फर्स्ट के फिफ्टी क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में ओके नेक्स्ट यहाँ इसके बाद है इंफॉर्मेशन नेट सेट या जे क्वालिफाइड हैं आप तो आप एग्जाम हैं बट हाँ आप अपेयर हो सकते हैं एग्ज़ाम को दे भी सकते हैं बट अप्लाई आपको करना ही है ठीक है एंड फ़ी वगैरह भी पे करनी है वेटेज ट्वेंटी टेन मार्क्स का है आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कंपटीशन ऑफ मेरिट लिस्ट और मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होगी वो भी देख लिया हमने कोई भी क्वेरी है तो मेल कर लीजिएगा इस मेल आई नाउ नेक्स्ट सिलेबस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये लिंक ओपन हो जाएगा अटैचमेंट डाउनलोड कर सकते हैं जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए इसके बाद टू एंड थ्री पेजेस भी हैं तो देख लीजिएगा अलग अलग सब्जेक्ट के लिए एंड एमपेट uh, का नोटिफिकेशन भी आप फिर से यहाँ पे देख सकते हैं अटैचमेंट को डाउनलोड करके ओके okay? ना लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पर एप्लीकेशन पोर्टल है ये इसमें आप बाकी इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड फिर आपको इसी के थ्रू अप्लाई करना है राइट right? सो so, आपको मेन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बाकी आप अकॉर्डिंगली जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको वहाँ पर जा कर के ओपन करके देख सकते हैं ठीक है सो आई थिंक येस दट इज़ इड फॉर टूडे ये था आज का अच्छा वीडियो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता हो तो इसे शेयर कीजिए एंड लाइक भी कर सकते हैं कोई इश्यू है सो कमेंट सेक्शन में बताइएगा लास्ट डेट ट्वेंटी सेकेंड ऑफ दिसंबर है एंड बाकी इन्फॉमेशंस हमने देख ली सो यस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो